दोस्तों उससे पहले अगर महेंद्र सिंह धोनी के एक अच्छे कैप्टन मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आज बता दें कि अश्विन के पंजे और कुलदीप के चौके से भारत ने पलटा पासा। इंग्लैंड को 145 पर किया ढेर रोहित सेना, सीरीज फतेह से मात्र 152 रन दूर। दोस्तों ये मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे है। आर अश्विन 5 विकेट और कुलदीप यादव 4 विकेट की कहर भरपाती फिरके के आगे इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 पर सिमट गई। दोस्तों रांची के टेस्ट मैच के पहले दो दिन तक पीछे चलने वाली टीम इंडिया ने तीसरे दिन ध्रुव झरेल 90 रन के बल्लेबाजी के बाद अश्विनों की कहर भरपाती के बाद इंग्लैंड के हार की तरफ ढकेल डाला। झरेल के पारी ने भारत को पहली पारी में 307 रन बनाए भाई। इसके बाद 46 रनों के लीड लेकर दूसरी पारी खेलने उतरी इंग्लैंड की टीम ने कुछ खास नहीं कर पाई क्योंकि इंडिया के कुलदीप यादव के फिरकी गेंदबाजी और आर अश्विन के गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिए इंग्लैंड के बल्लेबाज। इसी के चलते अब वो मैच से काफ़ी दूर चल गए। दोस्तों आपको बता दें कि फिरकी से पार नहीं पा सकी इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में 145 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारत ने रांची टेस्ट मैचों में चेज करने के लिए 145 रनों का लक्ष्य दिया। इसमें जवाब में भारत ने तीसरे दिन के अंत तक बिना विकेट गंवाए 40 रन बना दिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज, जो कि वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है भाई। दोस्तों बता दें कि जो ध्रुव झरेल ने 90 रन की पारी खेली एक शतक से कहीं कम नहीं था क्योंकि रांची के मैदान पे खेलना एक बहुत बड़ा बात है। उस विकेट पे जो सारे बल्लेबाज जो कि एक पर एक आउट हो जा रहे हैं वो बहुत संघर्ष करते करते 90 रन तक खेले और उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत, जो कि कुलदीप यादव एक बॉलर होके बहुत अच्छा देरी तक टिके, जो कि 131 गेंदे के सामना किया, जो कि 2 चौके से 28 रन बनाकर चलते बने। कुलदीप टेस्ट क्रिकेट करियर में सबसे अधिक गेंदों का सामना करने वाली पारी बनी। कुलदीप के बाद आकाशदीप 9 रन ही बना सके, जबकि 9 विकेट गिरने के बाद ध्रुव झरेल भी आउट हो गए और शतक से मात्र 10 रन उनका कम रह गया, जो कि ध्रुव ने 190 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 90 रन बना डाले। आउट होने के भारत की पहली पारी समाप्त हो गई। झरेल की बल्लेबाजों से 170 रन पर 7 विकेट खोने वाले टीम इंडिया ने 300 का स्कोर पार किया और इंग्लैंड के 103 पर रन के जवाब में पहली पारी में 307 रन बना डाली। हालांकि भारत 46 रन से पीछे रह गया, जो कि इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बॉलर और सबसे सफल बॉलर इस टेस्ट में 44 ओवर में 119 रन देकर टेस्ट करियर का अपना पहला पंजा खोला और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट लिया। दोस्तों आपको बता दें कि 192 रनों का लक्ष्य का पीछा करने जब टीम इंडिया उतरी तो तीसरे दिन की समाप्ति कुछ ही ओवर बाकी थे, जबकि भारत के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल इन दोनों ने दिन के अंत तक बेहतरीन बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया और रोहित शर्मा थोड़े आक्रामक नजर आए। उन्होंने 27 गेंदों में 4 चौके से 24 रन नवाद पारी खेलें, जैसे जायसवाल 16 रन बनाकर नवाद रहे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें।